हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सबका डेल्टा फिजिक्स पर। यहाँ पर हम बात करेंगे सीरीज और पैरेलल के न्यूमेरिकल्स के बारे में। अगर आपको सीरीज और पैरेलल की थियोरी को समझना है तो आप फोर्थ वीडियो देख लीजिए, वहाँ पर हमने एकदम इजीली समझाया है कि कैसे सीरीज और पैरेलल के फॉर्मूले प्रूफ होते हैं, कैसे आप ए मीटर और वोल्ट मीटर को कहाँ अटैच कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर सीरीज पैरेलल के न्यूमेरिकल स्टार्टिंग से देखेंगे, जिसमें हम पहले कुछ इजी न्यूमेरिकल्स देखेंगे, उसके बाद धीरे धीरे हम टफ न्यूमेरिकल्स देखेंगे और हम समझेंगे कि कैसे किसी भी सर्किट को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और ये वीडियो आप अगर एंड तक देखेंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि बोर्ड में जितने भी आपके न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, जिस भी टाइप के, तो सर्किट के आपके सारे प्रॉब्लम्स इजीली सॉल्व हो जाएं। तो चलिए अब सारी प्रॉब्लम्स हम अच्छे से देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास दो न्यूमेरिकल हैं, जिसमें फर्स्ट न्यूमेरिकल सीरीज के लिए है और सेकंड न्यूमेरिकल पैरेलल के लिए है। इसके बाद वाले में हम लोग सीरीज पैरेलल दोनों के कॉम्बिनेशन में देखेंगे, पर पहले हम ये दोनों न्यूमेरिकल समझते हैं। ये दोनों इजी न्यूमेरिकल हैं, जिसमें पहले हम सीरीज के लिए देखते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन लिखा है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। यहाँ पर आपको सर्किट दिया हुआ है, एक 4 ओम है, 4 ओम है और 2 ओम है, 10 वोल्ट की बैटरी लगाई है। और क्वेश्चन पूछा है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, सेकंड पूछा है करंट कितना होगा और थर्ड पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज 2 ओम के अक्रॉस कितना होगा। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आप इसके कंस्ट्रक्शन को देखिए, स्ट्रक्चर को देखिए, क्या ये सीरीज में है या पैरेलल में है। तो यहाँ देखिए, एक ही कंडक्टर यूज हुआ है और वही कंडक्टर पूरी हर जगह पे आ गया, यानी कि ये सीरीज में है। तो सीरीज का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमें पता है, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। हमारे पास यहाँ 3 रेजिस्टेंस है, हम नाम दे देते हैं। यहाँ हो जाएगा R1, ये R2 एंड R3। तो देखिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू होगा R1 प्लस R2 प्लस R3। अब फर्स्ट रेजिस्टेंस है 4 ओम, सेकंड है 4 ओम और थर्ड है 2 ओम, तो आपका नेट रेजिस्टेंस होगा 10 ओम। ओके, इजी था। नेक्स्ट देखिए, अब करंट फ्लो थ्रू दिस करंट, यानी कि इस कंडक्टर के अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो देखिए, ये सीरीज में है, तो सीरीज में हमने एक पहले भी बात सीखी थी कि जो करंट होता है वो सीरीज में हर जगह सेम होता है और पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है। तो करंट सेम है, यानी आप इस सर्किट में कहीं पे भी करंट निकालेंगे। ए मीटर को मैं कहीं पे भी लगा दूं, देखिए मैंने यहाँ पे लगाया है, आप कहीं पे भी लगा सकते थे, करंट सेम टू सेम आएगा। तो ओम्स लॉ हम यूज करेंगे, सेकंड फॉर्मूला लगाएंगे ओम्स लॉ का। अब ओम्स लॉ देखिए, ओम्स लॉ है वोल्टेज इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट एंड रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर वोल्टेज आपको दिया हुआ है ऑलरेडी 10 वोल्ट, इलेक्ट्रिक करंट आपको फाइंड करना है और रेजिस्टेंस यानी कि नेट रेजिस्टेंस की बात करेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज इज इक्वल टू हो गया 10 वोल्ट, करंट हमें फाइंड करना है और रेजिस्टेंस हमारे पास अभी हमने फाइंड किया था 10 ओम। तो I इज इक्वल टू 10/10, मीन्स इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा 1 और इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट है 1 एम्पियर। ओके, नेक्स्ट देखिए, अब लिखा है फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 ओम रेजिस्टेंस। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप समझिए, हमने अभी देखा था कि सीरीज में, उस पिछले वीडियो में, कि सीरीज में जो वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है, वो हर एक रेजिस्टेंस पे अलग अलग होगा। अब यहाँ पे देखिए, हर एक रेजिस्टेंस में यहाँ पर अलग अलग तरह का वोल्टेज आएगा, बट हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है 2 ओम रेजिस्टेंस का। तो मैंने आपको पहले भी कहा था, वोल्ट मीटर को हमेशा किस में अटैच करना चाहिए, पैरेलल में। उसका रीजन यही है कि हम यहाँ से लेकर यहाँ तक वोल्ट मीटर लगा देंगे और इसको पैरेलली अटैच करके हमें आंसर अब फाइंड करना है। तो देखिए, थर्ड आंसर देखते हैं हम लोग। तो वापस आपको ओम्स लॉ लगाना है। ओम्स लॉ अगेन है V इज इक्वल टू IR। अब यहां पर जो नेट करंट है वो सबके अंदर सेम है। इस वाले पोर्शन की बात करूं तो मैं यहां करंट वो का वही है जो हमने अभी फाइंड किया था 1 एम्पियर। लेकिन जो रेजिस्टेंस है वो नेट नहीं लेंगे, क्योंकि हम वोल्टेज के रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा, इस वोल्टेज जो डिपेंड करेगा वो इस रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। तो रेजिस्टेंस हम लोग ले लेंगे 2 ओम। तो वोल्ट इलेक्ट्रिक करंट है 1 एम्पियर एंड रेजिस्टेंस है हमारा यहाँ पे 2 ओम, तो आंसर आ जाएगा 2 वोल्ट। तो ये आंसर आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। ये सीरीज का एक बेसिक न्यूमेरिकल था। अब हम पैरेलल की बात करते हैं। तो देखिए, पैरेलल में आपको दो मैंने रेजिस्टेंस दे रखे हैं जो पैरेलल है। अब पैरेलल में हमने पहले ही देखा था कि पैरेलल के अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट होगा वो हर एक रेजिस्टेंस पे अलग अलग होगा, बट वोल्टेज जो होगा वो हर पॉइंट पे सेम होगा। चाहे पैरेलल में आप कहीं पे भी वोल्टेज देखें, हर पॉइंट पे सेम। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इस स्ट्रक्चर को देखिए, पैरेलल लग रहा है, यहाँ एक कंडक्टर 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। 2 पार्ट में डिवाइड होना या 3 पार्ट में डिवाइड होना, इसका मतलब होता है कि वो पैरेलल कनेक्शन है।
अब देखिए पैरेलल कनेक्शन का फॉर्मूला है 1 अपॉन आर इज इक्वल टू, हम नाम दे देते हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस, इसका आर वन और इसका आर टू, तो 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू, ये हो जाएगा 1 अपॉन 30 प्लस 1 अपॉन 60, दोनों का एलसीएम निकालेंगे आएगा 60, यहाँ 2 प्लस यहाँ पर 1, 3 अपॉन 60 देन 1 अपॉन आर। अब रिवर्स कर दीजिए क्योंकि हमें आर की वैल्यू फाइंड करनी है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स ये गलती कर देते हैं कि इसको रिवर्स नहीं करते और फिर इसी को नेट रेजिस्टेंस मान लेते हैं, तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा 60/30 यानी होगा 20 ओम, और 20 ओम आया यानी आप चेक भी कर सकते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो इंडिविजुअल दोनों की वैल्यू से कम होगा, यानी जो आंसर आएगा वो 60 से भी कम होना चाहिए और 30 से भी कम होना चाहिए। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन पूछा है फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस इन द सर्किट। अब यहाँ पर हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट है और ये पैरेलल कनेक्शन है, पैरेलल कनेक्शन में हर जगह पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा, यानी कि यहाँ पर सेकंड का आंसर आएगा पोटेंशियल डिफरेंस जो इन सर्किट में होगा पीडी या वोल्टेज वो होगा 20 वोल्ट, कोई सॉल्व करने की प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको 30 ओम के अक्रॉस भी पूछते तो भी वही आता, 60 के अक्रॉस पूछते तो भी वही आता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फाइंड द करेंट इन 30 ओम रेजिस्टेंस। अब आपको रेजिस्टेंस के अंदर यानी यहाँ पे कहीं ए मीटर लगा के 30 ओम के पास करंट फाइंड करना है। अब हमें पता है कि पैरेलल के अंदर करंट जो होगा डिफरेंट होगा, यानी कि हम यहाँ पे जो नेट करंट फाइंड करेंगे उससे अलग होगा यहाँ पर जो 30 ओम के अंदर करंट आएगा। तो देखिए वापस ओम्स लॉ लगाइए, ओम्स लॉ क्या है, वी इज इक्वल टू आई आर, इस बार हमें आई फाइंड करना है, आई इज इक्वल टू हो जाएगा वी अपॉन आर, तो V हमारे पास टोटल वोल्टेज जो है वो 20 है, हर जगह पे सेम ही है, यानी कि 30 ओम वाले पे भी 20 ही होगा क्योंकि हर जगह सेम है, अपॉन रेजिस्टेंस, देखिए रेजिस्टेंस है हमारा यहाँ पे 30, तो ये हो जाएगा 2/3 और इलेक्ट्रिक करंट आएगा तो एम्पियर। ओके तो इस तरह के बेसिक न्यूमेरिकल हैं। तो अब हम थोड़े से कंबाइन कर देते हैं सीरीज और पैरेलल को, अभी हमने सीरीज और पैरेलल को अलग अलग देखा इंडिविजुअली, अब हम कंबाइन करके करते हैं। अब ये जो क्वेश्चन हमारे पास है इसमें सीरीज और पैरेलल दोनों का कॉम्बिनेशन है, आप देख सकते हैं यहाँ से एक कंडक्टर आया और वो कंडक्टर पहले एक रेजिस्टेंस के साथ मिला, मान लीजिए यहाँ पे बल्ब या फैन जो भी होगा, उसके बाद उसी वायर को आगे बढ़ाया गया, उसी कंडक्टर को आगे बढ़ाकर उसको दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, यहाँ मान लीजिए फैन होगा, यहाँ पे रेफ्रिजरेटर हो, बल्ब हो, टीवी हो, जो भी हो सकता है, तो ये दोनों रेजिस्टेंस ये एक दूसरे के साथ पैरेलल में आपको साफ साफ दिख रहा है, यानी ये पक्का पैरेलल कॉम्बिनेशन है इन दोनों का। अब मान लीजिए आप इन दोनों को मर्ज कर दें, एक तरह का सैंडविच बना दें, तो ये कुछ इस तरह होके 7.2 और फिर इन दोनों का नेट रेजिस्टेंस मान लीजिए आप कुछ, हम उसको मान लेते हैं R और यहाँ R आ जाए, तो ये मर्ज होने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। अब ये देखिए दोनों सीरीज में हो गए, यानी कि आपको पहले पैरेलल सॉल्व करना है उसके बाद सीरीज सॉल्व करना है, जहाँ तक कोशिश हो नॉर्मली सब सर्किट में यही होगा, पहले आप पैरेलली सॉल्व कर दीजिए, उनका एक सैंडविच बना दीजिए, तो सैंडविच बनने के बाद क्या होगा, यहाँ पर ये दोनों सीरीज की तरह दिखेंगे, तो फिर सीरीज का फॉर्मूला लगा के आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो हम फाइंड करते हैं पहले टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, तो देखिए फर्स्ट हम इन दोनों को मर्ज करके इसका जो नेट रेजिस्टेंस है वो फाइंड करते हैं, 1 अपॉन आर इज इक्वल टू 1 अपॉन आर टू प्लस 1 अपॉन आर थ्री, फर्स्ट हम इन दोनों को सॉल्व कर लिया। अब देखिए आर टू हमारे पास है 1 अपॉन 8 और आर थ्री है 1 अपॉन 12, तो हो जाएगा 24 और यहाँ हो जाएगा 3 प्लस 2, ये 24 कैसे आया पता चला, एलसीएम लिया, आता है या नहीं, नहीं आता तो देख लीजिए 8 और 12 यहाँ लिखिए और फिर डिवाइड करते रहिए 4 6 2 3 2 1 3 एंड 3 1 1 1 1 तक लाइए, इन सब का मल्टीप्लाई करिए 24 आएगा, फिर यहाँ 24 के लिए 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ 24 के लिए 2 से मल्टीप्लाई, ये सब इजी है। 5/24 तो 1 अपॉन आर इज इक्वल टू 5/24 देन आर इज इक्वल टू 24/5, तो इसको आप डिवाइड कर दिए एंड 8 4.8 ओम आएगा, तो आर इज इक्वल टू हो गया हमारे पास 4.8 ओम। अब देखिए ये दोनों कंबाइन हो गए, यानी कि अब जो रेजिस्टेंस है वो इस तरह से दिखेगा, यहाँ पे है 7.2 और यहाँ पर है 4.8, तो अब ये दोनों सीरीज में दिख रहे हैं, अब ये सीरीज में दिख रहे हैं यानी कि सीरीज का फॉर्मूला लगाइए, हम जो नेट रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा उसको आर ई क्यू मान लेते हैं, तो आर वन जिसको हमने आर वन माना है और इन दोनों को मर्ज करने के बाद जो रेजिस्टेंस आया उसको आर माना है, तो आर वन है 7.2 प्लस 4.8 यानी ये टोटल हो जाएगा 7 4 11 एंड 12 ओम। ओके
अब देखिए यहाँ पर 12 ओम हमारे पास नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। सेकंड पूछा है फाइंड द टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, तो टोटल करंट हमें फाइंड करना है, तो ये रब कर दे पहले। टोटल करंट देखिए इसमें सीरीज पैरेलल है, तो सीरीज पैरेलल में हम डिफाइन पक्का कह नहीं सकते कि करंट सेम होगा या नहीं होगा, बट एक चीज पक्का है कि जो नेट रेजिस्टेंस होगा उसी के हिसाब से करंट आएगा। तो ओम्स लॉ आप लगाइए, ओम्स लॉ के हिसाब से आप करंट फाइंड करिए, और V इज इक्वल टू आई आर में जो R है उसको हमेशा R इक्विवेलेंट टोटल जो R आया है वो लीजिए। तो वोल्टेज हमारे पास यहाँ पे 6 वोल्ट है, I हमें फाइंड करना है, और रेजिस्टेंस यहाँ देखिए, रेजिस्टेंस नेट अभी हमने फाइंड किया था कितना आया था 12, तो I इज इक्वल टू हो गया 6 अपॉन 12 यानी हो जाएगा 0.5 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर वन, यानी आर वन के अक्रॉस, तो आर वन के अक्रॉस आप यहाँ पर वोल्ट मीटर लगा दीजिए तो आपको वोल्टेज की रीडिंग मिलेगी। तो वोल्टेज की रीडिंग के लिए अब हमें वहां पे R1, तो वापस ओम्स लॉ लगाइए, तो यहां पर जो करंट है वो कितना है, टोटल सर्किट के अंदर जो करंट है वहां पर 7.2 में स्टार्टिंग में करंट वो का वही रहेगा जो नेट रेजिस्टेंस का करंट है, और इस बार रेजिस्टेंस किसके लिए निकालना है, 7.2 के लिए, तो वोल्टेज हमारे पास रेजिस्टेंस है 7.2 ओम। अब हमें फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू आई आर करिए, तो 7.2 इंटू आर इज इक्वल टू 0.5 यानी ये हो जाएगा 3.6 वोल्टेज का यूनिट है वोल्ट। तो इस तरह से ये सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास पॉइंट्स दे रखे हैं ए बी एंड सी। मोस्टली ये जो भी क्वेश्चन होते हैं ये काफी स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करते हैं, तो इस क्वेश्चन को हम इजीली समझते हैं कि कैसे हम इनको इजीली डील कर सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट इसमें वोल्टेज नहीं दे रखा है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस आपको दिया ही नहीं है, बट एक हिंट दे रखी है कि 5 ओम के थ्रू 1 एम्पियर करंट फ्लो हो सकता है, यानी हो रहा है। और फिर क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज करंट थ्रू द अदर टू रेजिस्टर्स, यानी इन दोनों में कितना रेजिस्टेंस फ्लो होगा। तो देखिए यहाँ पर 1 एम्पियर का जो करंट था वही आगे जाएगा और इन टू पार्ट्स में डिवाइड होगा, यानी कि इन दोनों का करंट जो मिला के भी होगा वो भी 1 एम्पियर आएगा। तो किस हिसाब से पार्ट में डिवाइड हुए हमें वो पता लगाना है। अब वो पता लगाने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है V इज इक्वल टू आई आर, हमेशा सर्किट के प्रॉब्लम्स में यही फॉर्मूला यूज होता है। तो देखिए करंट निकालना है तो I इज इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन R। अब यहाँ पर R2 का रेजिस्टेंस निकालना है तो V अपॉन R2 I2 के लिए, और I3 का निकालना है तो V अपॉन R3। बट एक ही प्रॉब्लम है, वोल्टेज देखिए इन दोनों का सेम ही रहेगा क्योंकि पैरेलल में जो वोल्टेज है वो दोनों का आएगा सेम, बट प्रॉब्लम ये है कि टोटल वोल्टेज इन दोनों के लिए कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो देखिए इन दोनों का नेट रेजिस्टेंस निकाल दीजिए, इनका नेट रेजिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं R आएगा, तो इस R के थ्रू कितना वोल्टेज जाने वाला है वो हमें पता लगाना है। तो 1 अपॉन R इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो 1 अपॉन R2 यहाँ पे है 1 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन 15, ये हो गया 1 अपॉन 30, 3 प्लस 2 5 अपॉन 30, तो 1 अपॉन R इज इक्वल टू हो जाएगा 6 ओम। ओके अब नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर वोल्टेज हमें पता रेजिस्टेंस पता लग गया है 6 ओम, इसकी हेल्प से हम वोल्टेज निकाल सकते हैं, तो V इज इक्वल टू है IR। तो टोटल करंट इन दोनों में मिला के कितना फ्लो हो रहा है, 1 एम्पियर जो यहाँ था वो भी यहाँ रहेगा, 1 इंटू टोटल वोल्टेज है हमारे पास यहाँ 6 रेजिस्टेंस, तो ये हो गया 6 वोल्ट। अब हमारे पास वोल्टेज आ गए, अब हम इजिली करंट फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए V इज इक्वल टू हो गया 6, R2 यहाँ पर है 10, 6 अपॉन 10 ये हो गया 0.6 एम्पियर, और I3 देखिए V है हमारे पास 6 और रेजिस्टेंस है हमारे पास यहाँ पर 15 ओम, ये हो जाएगा 0.4। विदाउट कैलकुलेशन मैं बता सकता हूँ क्योंकि देखिए 1 एम्पियर यहाँ पर था, यानी कि टोटल मिला के 1 एम्पियर होना चाहिए, तो 0.6 और ये डेफिनेटली 0.4 ही आंसर आएगा क्योंकि दोनों मिला के देखिए I2 प्लस I3 मिला के वापस होगा 1 एम्पियर। ओके तो फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना है। सेकंड लिखा है व्हाट इज टोटल रेजिस्टेंस, तो हम लोग यहां तक रहने देते हैं, ये आप देख लीजिए। नेक्स्ट देखिए अब टोटल रेजिस्टेंस यानी कि इन तीनों का मिला के रेजिस्टेंस कितना होगा। तो मैंने आपको पहले भी बताया था अभी नेक्स्ट पहले वाले क्वेश्चन में कि इसको मर्ज कर दीजिए, इसको हमने ऑलरेडी मर्ज करके आंसर निकाल दिया है 6 ओम। अब 6 ओम मर्ज करने के बाद ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे, तो सीरीज में हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो सीरीज के लिए फॉर्मूला है R, हम R नेट लिखते हैं, R नेट देखिए कितना आ रहा है यहाँ पर 5 ओम R1, और इसको मर्ज करने के बाद हमने माना है इसको R, तो R1 है हमारे पास 5
प्लस आर है हमारे पास 6, यानी ये हो गया 11 ओम, यानी टोटल रेजिस्टेंस कितना है 11 ओम। अब नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी एंड ए सी। तो ए बी और ए सी के अक्रॉस देखते हैं, तो ए बी में देखिए पोटेंशियल डिफरेंस काफ़ी ईजी है। मान लीजिए यहाँ पर हम वोल्ट मीटर लगा देते हैं, तो रेजिस्टेंस 5 ओम का है और करंट 1 एम्पियर का हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू IR, करिए I है हमारे पास 1 एम्पियर और रेजिस्टेंस है 5 ओम, यानी हो गया 5 वोल्ट। नेक्स्ट देखिए अक्रॉस AC भी पूछा है, यानी A से लेके C तक, यानी इन सब का टोटल रेजिस्टेंस हमें देखना पड़ेगा। तो इन सब का नेट रेजिस्टेंस है 11, हमने अभी फाइंड किया था। A और C के अक्रॉस देखिए तीनों रेजिस्टेंस का मिला के कितना है 11 है, तो वही हमें करना है। अब हमारे पास करंट यहाँ पर है, अभी हमने फाइंड किया था करंट था 1 एम्पियर, यहाँ दिया हुआ है ऑलरेडी, 1 इंटू टोटल रेजिस्टेंस है 11, यानी ये आंसर आ जाएगा आपका 11 वोल्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, CBSE बोर्ड का है। तो ये जो क्वेश्चन है वो आपका CBSE 2018 बोर्ड में आ चुका है और क्वेश्चन है शो हाउ वुड यू जॉइन द थ्री रेजिस्टेंस, ईच ऑफ रेजिस्टेंस इज 9 ओम एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज 13.5 ओम एंड 6 ओम। यानी आपके पास तीन रेजिस्टेंस हैं, तीनों रेजिस्टेंस हैं 9 ओम के, यानी R1, R2 और R3 आप नाम दे दीजिए, 9 ओम, 9 ओम एंड 9 ओम। अब नेक्स्ट आपको पूछा है कि हम किस तरह से इन तीनों को कंबाइन करें, हो सकता है आप तीनों को सीरीज में करें, हो सकता है आप तीनों को पैरेलल में करें, दो को सीरीज में एक को पैरेलल में, फिर पहले दो को पैरेलल में एक को सीरीज में, डिपेंड करता है आप किस तरह से चूज करते हैं, बट आपको कॉम्बिनेशन का आंसर ये लाना है 13.5 एंड 6 ओम। तो फर्स्ट देखिए सीरीज तीनों पॉसिबल नहीं है, तीनों हम सीरीज में करेंगे तो 9 + 9 + 9 हो जाएगा 27, यानी सीरीज वाला आंसर नहीं है। सेकेंड अगर हम तीनों को पैरेलल में करें, पैरेलल में हमने एक सिचुएशन देखी थी कि जब भी पैरेलल में नेट रेजिस्टेंस आता है वो उन तीनों की इंडिविजुअल वैल्यू से कम होता है, तो यहाँ पर ये 6 ओम वाला कम है, तो हम चेक करके देखते हैं कहीं शायद वो तो नहीं है। तो 1/R इज इक्वल टू 1/9 + 1/9 + 1/9, ये हो गया 9 और यहाँ पर हो जाएगा 3, 9/3 आंसर आएगा 3, जो यहाँ पर नहीं है, यानी ये पॉसिबल नहीं है। अब 13.5 ओम, ठीक है 13.5 ओम यहाँ पर इन तीनों रेजिस्टेंस की एक वैल्यू से ज़्यादा है, इंडिविजुअल वैल्यू से ज़्यादा है, यानी कि आपको लास्ट में सीरीज कॉम्बिनेशन करना है। देखिए सीरीज से क्या होगा कि आंसर आपका थोड़ा बड़ा आएगा और पैरेलल लास्ट में करेंगे तो जो आंसर है वो छोटा जाएगा, यानी रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाएगी। तो आपको आंसर बड़ा वाला लाना है, यानी कि लास्ट में आपको सीरीज करना है और छोटे वाले के लिए लास्ट में पैरेलल करना है। तो हम लोग पहले सीरीज के लिए देखते हैं, एक बार चेक करते हैं। तो दो को पहले हम लोग सीरीज में ले लेते हैं, सॉरी दो को पहले पैरेलल में ले लेते हैं क्योंकि लास्ट में आपको सीरीज में लाना है। दो को पहले पैरेलल में लेंगे तो 9 ओम एंड 9 ओम, फिर इन दोनों का मिला के वापस यहाँ पर एक सीरीज में, तो ये दोनों पहले पैरेलल और बाद में लास्ट में किस में आ गए, सीरीज में आ गए। अब इन दोनों का नेट रेजिस्टेंस निकालते हैं, तो इसको हम R1, R2 एंड R3 नाम दे देते हैं। इसके नेट रेजिस्टेंस को हम मान लेते हैं RX, ओके। अब देखिए RX निकालते हैं, तो 1/RX इज इक्वल टू हो जाएगा 1/9 + 1/9, ये हो गया 2/9, आंसर आ गया, रिवर्स करेंगे तो R इज इक्वल टू आ गया 4.5, सॉरी RX। अब इसका नेट रेजिस्टेंस निकालेंगे, यानी ये मर्ज हो गया, अब इसको कंबाइन करेंगे तो ये एक तरह सीरीज बनेगा, तो 1/R इज इक्वल टू हो जाएगा RNet इज इक्वल टू, इन दोनों का कंबाइन रेजिस्टेंस है RX प्लस ये सीरीज में है R3 के साथ, तो RX है हमारे पास 4.5 एंड 9, यानी हो गया है 13.5, यानी आपका ये रेजिस्टेंस का आंसर आ गया। R1 R2 को आपको करना पड़ेगा पैरेलल में और बाद में सीरीज में। अब नेक्स्ट देखिए हम 6 ओम वाला आंसर लाते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया अगर आंसर आपको छोटा लाना है, कम लाना है, तो लास्ट में आप पैरेलल करिए, यानी इस बार हम पहले सीरीज करेंगे, तो पहले दो रेजिस्टेंस को आपको सीरीज में लेना पड़ेगा, उन दोनों को उसी के साथ पैरेलल में, तो ये आपको कुछ ऐसे दिखेगा, ये दो रेजिस्टेंस जो हैं वो हो गए सीरीज में और उसके बाद जो आंसर नेट आएगा वो फाइनल का पैरेलल में होगा। तो देखिए इस तरह के सर्किट में पहले आप इन दोनों को कंबाइन कर दीजिए, 9 और 9 हो जाएगा 18, तो इसका मान लीजिए R1, इसके नेट रेजिस्टेंस को RX मान लीजिए, तो RX इस बार हो जाएगा R2 + R3 क्योंकि सीरीज है, तो 9 + 9 हो गया 18 ओम, और इसके बाद नेट रेजिस्टेंस आपका R इक्विवेलेंट इसके साथ पैरेलल में है, तो 1/R1 + 1/RX, यानी 1/9 + 1/18, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 18, ये 2 + 1,
3 अपॉन 18 रिवर्स करेंगे आएगा 6 ओम, तो ये आपका फाइनली आंसर हो गया आर नेट। तो इस तरह से आपको किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फिर से एक बात बता रहा हूँ, आंसर अगर आपको बड़ा लाना है, हाई आंसर लाना है, रेजिस्टेंस को हाई रखना है, तो लास्ट वाला जो सॉल्व करेंगे उसमें आपको सीरीज रखना है। आंसर लो लाना है, रेजिस्टेंस को लो लाना है, लास्ट वाले में आपको पैरेलल रखना है। अब एक क्वेश्चन आप करिएगा, मैं आपको देता हूँ और आंसर इसका आपको खुद निकालना है, कमेंट्स में आंसर लिख दीजिएगा। यहाँ पर 5 ओम है रेजिस्टेंस, 10 ओम एंड 15 ओम, 10 नहीं, यहाँ पर भी 10 ओम दे देता हूँ, और इस तरह से ये रेजिस्टेंस है प्लस माइनस, यहाँ पर 20 वोल्ट की बैटरी है। अब आपको फाइंड करना है फर्स्ट, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, सेकंड फाइंड करना है टोटल करंट, और थर्ड फाइंड करना है पीडी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 10 ओम। ओके, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, कमेंट्स में आंसर लिखिए। आई होप आप सबको समझ में आ गया हो, और कोई भी डाउट हो तो डेफिनेटली आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपके आंसर दूंगा। गुड बाय।